अपनी चालाकी मुझ पे चलाता है, मुत्तू बोलने से मैं डर जाऊंगा। वो मेरे और तुम्हारे जैसे ही एक गरीब नौकर है, समझा? हाँ मुत्तू, यही है मुत्तू। वो अपने जैसा नहीं है, उसका तो ढंग ही निराला है। मालकिन को पूजा में बैठे बहुत देर हो गई। आरती के समय छोटे मालिक नजर नहीं आए तो हमें सिर्फ डांट ही मिलेगी, जन्मदिन का तोहफा नहीं मिलेगा। छोटे मालिक को जगाओ ना। क्या रहती डार्लिंग, कैसी बातें कर रही हो? मुत्तू के बिना उन्हें कोई दूसरा जगा सकता है क्या? यही नहीं, मालिक उठते ही मुत्तू का मुंह देखे, ऐसा मालकिन का हुक्म है, ये तुम नहीं जानती क्या? ये मैं जानती हूँ, लेकिन आज का दिन हर दिन जैसा थोड़ी है। आज अपने मालिक का जन्मदिन है, उनके लिए ही पूजा हो रही है। वो खुद नहीं आए तो कैसे चलेगा? तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुत्तू तो आया नहीं। कहाँ है मुत्तू? मालिक के जन्मदिन पर सुबह उठकर मुत्तू कहाँ जाता है? भगवान, सब लोग हर दिन बिना दुख उठाए सुख और संतोष से रहें, यही मेरी प्रार्थना है। सुनिए, अब आरती करनी है, मालिक कहाँ है? आ रहे आ रहे। कहाँ गया होगा मालिक? होंगे आ रहे होंगे, आ जाएंगे मालिक। कहाँ खोजो उसे? अरे क्या कर रहे तू? मालिक तैयार है, अभी आ जाएंगे। बाप रे, तुरंत आ जाएंगे? अभी तक हम सब मालकिन से डर रहे थे, ठीक समय पर आकर हमें बचा लिया। हाय तैया, मुत्तू आ गया। अच्छा ये बताओ, हम बहुत देर से यही है, तुम कब आए, कैसे आए? कब आऊंगा, कैसे पहुंचूंगा, ये कोई नहीं जान सकता, मगर सही वक्त पर हाजिर हो जाता हूं मैं। ये क्या है? मालिक आ रहे हैं।
ठीक आते के समय में आ गया ना माँ। मालकिन ये क्या, आज जन्मदिन पर आप खुद आशीर्वाद नहीं देंगी तो और कौन देगा? पहले माँ की बात का सम्मान करें, उसके बाद मैं आशीर्वाद दूंगी। मालिक अभी तक आपने विवाह नहीं किया ना, इसलिए माँ जी गुस्से में है। मालकिन इस साल आप देखेगा आपकी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। अगले जन्मदिन पर देखिएगा, एक नहीं बल्कि पूरे तीन जने आपके पैर छुएंगे। अब मालिक को मिलाकर होने वाली मालकिन और नन्ना राजकुमार। मालिक माजी हंस रही है, तुरंत चरण छू लीजिए। मुत्तू की कही हुई बातें सब कुछ सच हो जाए तो मैं चलता हूँ माँ। कहाँ, नाटक देखने? नहीं, अब तो मैंने नाटक देखना छोड़ दिया। कल रात नाटक देखने नहीं गए थे? नहीं तो। ए मुत्तू, तू बोल। नहीं गए माँ। सर पर हाथ रखकर बोल। नाटक देखने नहीं गए थे। तुझे कब अपनी फिक्र हुई है? राजा के सर पर हाथ रख। राजा के सर पर हाथ रख, अब बोल। अब बोलना। नाटक देखने गए थे, बजरंग बली का नाटक था, वहाँ से लौटने में सुबह के 4 बज गए। आज नाटक देखने तुम लोग नहीं जाओगे, आज तुम्हारा जन्मदिन है, पूरे गांव वाले आए हैं, उनके भोज का इंतजाम किया है, इतना समझ लो आज तुम कहीं नहीं जा सकते। बच गए, आज नाटक नहीं, आराम से सोएंगे। आज हम जाएंगे नाटक देखने। नहीं माँ, मंदिर, मंदिर। मंदिर ही जा रहे हो ना? हम मंदिर ही जा रहे माँ। तुम ये सब काम क्यों करते हो, कितनी बार मना कर चुकी हूँ। बोलो तो ये मानता कब है? ये क्या मालकिन, मेरी रघु में दौड़ने वाला खून भी आप दोनों की ही देन है, आपकी सेवा नहीं तो और किसकी करूंगा। जमींदार जिंदाबाद, 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 जमींदार जिंदाबाद। तुम फुलवारी से गणेश जी के लिए फूल तोड़कर ले आओ। फूल तो मैं ले आया। भोज है ना, खाना बन गया है नहीं? देख आओ चाचा। मैंने सब देख लिया माँ जी। ये क्या, जब भी वर्मा साहब आते हैं मुझे किसी काम से बाहर भेज देती है, आज मैं नहीं जाऊंगा। हाँ आइए वर्मा जी। नमस्कार, मुबारक हो राजा बाबू। जिंदाबाद। अरे माला खुशी से पहनाने के लिए लाते हैं या आदमी को गिराने के लिए लाते हैं? मुत्तू, तुम दोनों मंदिर जाने वाले थे ना, तो जल्दी से हुआ जाओ। जी मालकिन। तपन भैया, ये कहाँ रखूं? मुझे पहना दो। ये लीजिए। चले राजा बाबू, कहाँ गया? तेरे पैरों के नीचे। ये माला लेकर आए, पहाड़ लेकर आए, मेरी माँ। राजमहल जैसे मेरे बंगले को छोड़कर यहाँ झोपड़ी में रहती हो, मन दुखता है। अच्छा, तुमने नौकरों को सर पे चढ़ा रखा है, वो लोग नौकर बनाए गए हैं और हम लोग मालिक बनाए गए हैं ऊपर वाले की मर्जी से, और तुम नहीं जानती कि इन्हें कितनी छूट देनी चाहिए। क्यों, बीती बातें भूल गई हो? मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हम लोगों में कभी कोई दूरी ना होने पाए। आपकी बेटी ने पढ़ाई पूरी कर ली? अरे रे 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 रे, अच्छा पूछा। वो पढ़े या ना पढ़े हमें इस बात से क्या, मैं उसे यहाँ भेज देता हूँ, तुम उसे बहू बना लो, हम समधी हो जाएंगे। क्यों पार्वती, मैं जो बार बार तुमसे पूछ रहा हूँ इसलिए गलत मत समझ लेना। ऐसी कोई बात है क्या जो तुम मुझसे छुपा रही हो? असल में बात यह है कि अगर तुमने बता दिया तो मैं भी छुपा लूंगा। सुनो, अगर तुमने मुझसे कोई राज छुपा के रखा तो पूरे शहर को पुरानी बातें बता दूंगा। चलता हूँ पार्वती। क्यों रे, काम बराबर कर रहा है ना? आपके हुक्म के मुताबिक सब पर नजर रख रहा हूँ। उस पाजी मुत्थू पर अपनी एक आंख हमेशा रखना। पहले से उस पर मैंने दोनों आंखें लगा रखी हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तू मेरा आदमी है, कोई जानता तो नहीं? कोई कैसे जानेगा मालिक। चिल्ला मत मूर्ख। क्यों मालिक, पैसे वाले जन्मदिन क्यों मनाते हैं? जमा किए पैसे खर्च करने के लिए? सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि अपने जन्मदिन के दिन सब खुश रहे इसलिए, समझे? अपनी माँ को खुश ना रख के पूरी दुनिया को खुश करने निकले हैं। जब देखो ड्रामा नौटंकी नाटक, मेरी तो रातों की नींद हराम हो गई है। क्या बक रहे हो? कुछ नहीं, अपने दोस्तों से बात कर रहा था। अच्छा मुत्तू,
तुम्हारा जन्मदिन कब है? मेरा जन्मदिन? आपने भी अच्छा सवाल किया, मेरे माँ बाप कौन है ये नहीं पता, जन्मदिन कैसे जानूंगा। ए, ए। ये क्या मालिक, नाटक मंडी आ गए मगर बगला तो अपना लगता है। आ, ये क्या हो गया? ये कौन है माँ? क्यों बेटा भूल गया, अपने वर्मा जी की बेटी है। अपने वर्मा जी की बेटी? अरे अरे कितनी बड़ी हो गई है। आए शर्माना तो देखो। होने वाले पति से टकरा गई ना, इसलिए इतना शर्मा रही है। आप जब देखो मेरी शादी की बातें करती रहती हैं। ये बहुत ही अच्छी लड़की है, अपने बाप जैसी नहीं है। तुम्हारी पसंद जानकर इसे मैंने यहाँ बुलाया है। अपनी मर्जी तो मैंने उस दिन बता दी, मैं फिलहाल शादी नहीं करूँगा। बेहतर होगा इसे वापस भेज दीजिए। अरे क्या हो गया पत्नी जी, ये हिचकी? मुत्तु, हिचकी के बारे में तुम क्या जानते हो? मैं जानता हूँ। देखो वो आम बात है, गुस्से में हिचकी, खुशी में हिचकी, दुख हो जाए तो हिचकी, रोते वक्त भी हिचकी। इस हिचकी को रोकना बहुत मुश्किल है। मालकिन मैं रोकता हूँ, देखिए इसी तरह मेरे बचपन में मुझे बार बार हिचकी आती थी। कैसे आती थी मालूम है? हिच हिच, मेरी माँ उस समय पानी है ना पानी लाकर देती थी, मैं उसे गड़गड़ पी जाता था, थोड़ी देर में ही हिचकी रुक जाती थी। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे अरे ये क्या हो रहा है मुझे, ये क्या हो रहा है? अरे 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 मालकिन देखा हिचकी रुक गई, इसलिए मैंने डराया था। अरे कुछ काट रहा है तपन भैया, अरे धोती, मैं चट्टी में ही धोती, मुझे धोती पहन लो तपन भैया। तुम्हारे सारे काम मैं क्यों करता हूँ पता है? तुम मुझे और मैं तुम्हें देखूं, अपने बीच प्यार का फूल खिले, मगर तुम मुझे छोड़ किसी और के सपने देखती हो। हाँ तपन, मुझे एक सपना बार बार आता है। सपने में एक राजकुमार तीर धनुष लेकर आ रहा है, अंधेरा होने के कारण मैं उसे पहचान नहीं पाती। अरे वो कोई और नहीं है, मैं हूँ, मैं हूँ। काला होने के कारण माना कि तुम हो, लेकिन वो तो पतला था। रति तुम्हारे प्यार में तड़प रहा हूँ ना, इसलिए सपने में आते ही पतला हो गया। आपसे मिलने के लिए अवध महाराज इजाजत मांग रहे हैं। हाँ यहाँ बुलाओ, मिल लूंगी। जो हुकुम। राजकुमारी महाराज आ गए, देखो बेटी देखो उन्हें। बहुत ही अपमान और शर्म की बात है। अरे ये तो मेरा डायलॉग है। डायलॉग दोहरा कर ही हम कामयाब हो सकते हैं। मुझ जैसी सुंदरता की रानी, देवताओं तक को लुभाने वाली, जवान दिलों की धड़कन से शमशान की जलती चिताओं की गर्मी सहन ना करके भागकर आया हुआ ये कौवा मेरा पति बनेगा? अच्छा। मेरी एक नजर पड़ते ही महान योद्धा अपनी तलवार भूलकर, राजा महाराजा अपनी हुकूमत भूलकर मेरे आगे अपना सर झुका लेते हैं। मेरी कामना करने वाला ये महामूर्ख इस भूलोक में अच्छा।
लोगों में खोज करने पर भी कोई लंगड़ी लूली भी तुझसे विवाह नहीं करेगी। कौवे को कोयल की कामना। तुझे क्यों रे, मजाक सोचा है तुझे? कब से देख रही हूँ मैं, छीके जा रहा है। अबे तुझसे बोल रही हूँ रजनीकंधा, बोलो होता एक्टिंग करो। तुम चुप रहो मौसी, मैं कब से सह रही हूँ ये छीके जा रहा है, खुद को क्या समझता है रे? क्यों भाई, छींकना भी गुनाह है क्या? नहीं तो, छींकना कोई गुनाह नहीं है, मगर जब कोई सुंदर अभिनेत्री पूरे लगन से अभिनय कर रही हो तब छींकना गुनाह है। सुनो रानी, ये छींक खांसी हिचकी अंगड़ाई नींद अच्छा बुरा भूख जन्म मरण धन दौलत पदवी ये सब पूछ कर नहीं आते, खुद ही आते हैं और खुद ही जाते हैं, कोई इन्हें रोक नहीं सकता। ये डायलॉग मुत्तू, आपका हाथ तो मेरा, तू का डायलॉग बोलेगी। अरे वहाँ बैठकर कोई भी डायलॉग बोल सकता है, सबके सामने मंच पर आकर जरा बोलकर देखा, कांपने लगेगा। कौन कांपेगा? क्या जानती हो मुत्तू के बारे में, उसके गाड़ी चलाने के स्टाइल का सारा गांव दीवाना है। गाड़ी चलाता होगा पर मंच पर आ सकता है क्या? तुम फालतू बकवास कर रही हो, ये भी कोई मंच है, ये इससे भी बड़े मंच पर चढ़ सकता है, बिना डरे डायलॉग बोलेगा, नाचेगा गाएगा, देखोगी क्या? अरे रे, मुझे क्यों बता रहे हो? तुम चुप रहो मुत्तू, तुम अपने बारे नहीं जानते हो। अबे अगर सच में ये मर्द है तो मंच पर आकर नाच गाकर एक्टिंग करने को बोलो तो मानूंगी मैं। क्यों बेटा, वो बोले जा रही है और तू चुपचाप सुन रहा है, मंच पर जाकर अपना कमाल दिखा। अरे ये बेकार का मैं क्यों करूं? चलो उठो अपना कमाल दिखाओ, इज्जत के सवार है मुत्तू। अरे छोड़ो भी, बन जाने में बोल गई। हाँ अरे रे रे, ये नहीं मानेगा, हम लोगों को इसे चलाना होगा। चलो अरे नहीं भाई नहीं, अरे मेरी बात मानो, अरे मुझे नीचे उतारो, अरे मेरी बात मानो, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे अरे नहीं नहीं, अरे गर्म है यार। क्यों भाई, यहाँ तो चढ़ा दिया, अब इसे कैसे संभालूं? घबराना मत मुत्तू, शुरू हो जा। मालिक तुम्हें देखने आए राजा को ठेस पहुंचाने वाली मथुरा की राजकुमारी, वीरों की सुंदरता चेहरे में नहीं दिल में ढूंढो, दूसरों का दिल दुखाने के बदले तुम अपने कहे उन कठोर रूखे शब्दों को जरा जरा मुस्कुराते हुए प्यार से बोलो, तब तुम समझोगी उन शब्दों की मिठास, इसी में तुम्हारी जन्मभूमि और तुम्हारी वंश की इज्जत है। देखा तुमने मेरे अभिनय का कमाल? चलो मत से लोगी पंगा तो हो जाएगा दंगा। कमाल कर दिया। सबके ताली बजाने से तुम बड़े हो जाओगे? इनकी ताली बजाने से ही लोग महान बनते हैं। तुम ड्रामा देखने आए हो या लफड़ा करने? लफड़ा करने मैं नहीं आया। घमंड है क्या? मुझे नहीं है। तो क्या मुझे है? ये मैंने कब कहा? क्यों रे, खुद को क्या समझता है? सुन रजनीकंधा, अपनी शक्ति नाटक मंडली को बहुत बड़ी शक्ति मिल गई, जाने की नया हीरो मिल गया, उन्हें यह माला पहनाकर अपनी नाटक मंडली में शामिल कर लो, ये लो पकड़ो। बिना देखे फेंकी, क्या भयंकर निशाना है। क्यों बेटा बड़े खुश नजर आ रहे हो? माँ आप बार बार मुझसे पूछती थी ना कि कब शादी करेगा कब शादी करेगा, अब मैंने शादी करने का फैसला कर लिया माँ। मालिक शादी करने के लिए राजी हो गए हैं, मालिक शादी करने के लिए राजी हो गए हैं मुत्तू, मालिक शादी करने के लिए राजी हो गए हैं, मालिक शादी करने राजी, क्या कर रहे हो तुम? अरे मालिक शादी करने के लिए राजी हो गए हैं, मालिक शादी करने के लिए राजी हो गए हैं, अरे मालिक शादी करने के लिए राजी हो गए हैं डार्लिंग। क्यों पार्वती, खूब नाच गाना हो रहा है यहाँ? खुशखबरी है भाई साहब, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। क्या बात? पापा वो शादी के लिए राजी हो गए। बस यही ना। क्यों भाई साहब आप खुश नहीं हुए? हम लोगों के लिए तो बड़ी ही खुशी की बात है। ये तो मैं पहले भी जानता था पार्वती, तभी तो अपनी बेटी को यहाँ भेजा, नहीं मानता तो कुछ और करता। मेरा नाम राज वर्मा है, मेरी चाल कभी फेल नहीं होती है। अच्छा हुआ तुम्हारा बेटा मान गया। ए विस्की ला। राजा बाबू हाँ बेटे। हाँ भाई खूब दिख रहे हो, क्या बात है, आज मैं भी बहुत खुश हूँ, आओ मिलकर जश्न मनाएं। मेरा फ्रेंड इसे सिंगापुर से लाया है, कमाल की चीज है, लो खोलो। ये क्या है मालिक? इंग्लिश शराब। अरे रे, मालिक को पीने की आदत नहीं है, आप नहीं पीने सिखाएंगे? नहीं बड़े मालिक। ये लो। नहीं बड़े मालिक। नहीं बड़े मालिक छोड़ दे, नहीं बड़े मालिक। फालतू कुत्ते। मुत्तू से माफी मांगी। क्या
घर के नौकर से मैं माफी मांगू? इस घर में कोई भी नौकर नहीं है, सबको मैंने अपने सगे बेटे की तरह पाला है। मैंने अपनी ममता से इन्हें खिलाया है, मैंने आज तक इन्हें कभी नहीं डांटा है, पर आज आपने इस पर हाथ उठाया है। आप मेरे पति के दोस्त हो सकते हैं, मुझ पर भाभी बतौर अधिकार जमा सकते हैं, पर मुत्तु पर आपका कोई अधिकार नहीं है। मुत्तु से माफी मांगी। आज तक किसी से भी इस राजवर्मा ने माफी नहीं मांगी, मगर लड़की का बाप ना, मुझे माफ करना। क्यों रति, अपने कोमल हाथों को क्यों तकलीफ दे रही हो? मैं हूं ना, लाओ मैं पोता मार देता हूँ। अरे बाप रे, मर गया। अकेले में चलना ठीक, और कोई काम नहीं। लड़की देखते ही कुत्ते की तरह पीछे आ जाते हो, कमीने कहीं के। ए, रुक, जख्मी बकरी की तरह खूब उछल रही हो। मैं लड़की के पीछे भागने वाला कुत्ता ही हूँ, पर आम कुत्ता नहीं, जंगली कुत्ता। जंगली कुत्ता क्या करता है जानती हो? आ? 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 ये क्या औरत से लफड़ा कर रहे हो आप? तो मर्दों से लफड़ा करूँ क्या? लफड़ा करना लफड़ा कर। मैं काम करने आया हूँ। मैं काम करने नहीं आया हूँ, मैं लफड़ा करने आया हूँ। ए लफड़ा भैया, काली भैया, मैं मानता हूँ आप पहलवान है, अगर आप 10 मारेंगे तो मैं एक तो मारूंगा ही ना। क्या क्या मुझे मारेगा? चल मार, मारना। अगर जबरदस्ती करेंगे तो मैं मारूंगा ही ना। तू मारेगा मुझे, मार। ठीक है, आप आइए, इधर आइए। दिया हुआ दान और बोला हुआ वचन मुझे वापस लेने की आदत नहीं है। अरे एक ही गुस्से में लौट गया। क्या कर दिया? किसके ऊपर हाथ उठाया जानते हो? मालकिन आ गई, मालकिन आ गई, मालकिन आ गई। मालकिन, मालकिन कहाँ है? झूठ बोला, बच्चों से क्यों उलझना, हमें और भी काम है। मुतु इधर आओ, जैसे मेरे दिमाग में बुद्धि है वैसे तेरे बाजू में बल है। सब आपका आशीर्वाद। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मालिक को कॉफी देना भूल गया। क्या काफी बच गया, मैं तो कॉकरोच समझा। यहाँ तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है। घोड़ा गाड़ी, रोको 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 रोको। थोड़े दोस्तों, दोड़ो दोड़ो, रोको रोको रोको। मुतु, हाँ मालिक, गाड़ी रोको। अच्छा मालिक। हाँ, हमें देख बग्घी रुके बिना कैसे जाएगी। नमस्ते जी। मुझे पहचाना? पिछले नाटक में मेरे गले में हार। जी हाँ हाँ, सॉरी सर, उस दिन मैं बहुत गुस्से में थी, मुझे माफ कर दीजिए ना। अच्छा, आप दोनों यहाँ क्यों खड़ी हैं? इन्हें और कोई काम नहीं होगा ना मालिक, यूं ही हवा खाने आ गई होंगी, आप चले। नहीं जी, बेलापुर में नाटक करने मोटर कार से जा रही थी। तुमर कार से? हाँ कार से। तुम और कार से? कार से। क्यों झूठ बोल रही हो? आइए मालिक। हाँ। नो टच। वहाँ देखो ना। मालिक ने कहा कि कार में पेट्रोल डलवा कर जल्द बेलापुर पहुँचो। ये कार में पेट्रोल डालने के बजाय खुद पीकर कार को पेड़ से ठोक दिया। अब बेलापुर कैसे पहुँचे? इस तरफ और कोई गाड़ी भी नहीं आ रही, इसीलिए आप बेलापुर तक कृपया हमें उतार कर चले जाइए। मैं उतार कर चला जाऊँ? वहीं रुक कर नाटक देख कर ही जाऊँगा। तो चले, आप लेट हो रहे हैं। चलते हैं, चलते हैं। अरे गणपति बेवड़े काले महाराज, जल्दी आ। बेटी सामान उठा, उठाओ जरा बक्से को। कोई बात नहीं, मैं खुद उठा लेती हूँ। सब उल्टा हो रहा है। अच्छा, आते समय तो कार में आए, फिर कार कहाँ गई? अबे किसने कार के आगे घोड़ा बांधा? बाप रे। अच्छा, किसने मुझे तमाचा मारा? मैंने देखा। सिर्फ देखा? देखने से मेरी हालत हो गई। अच्छा ये छोड़ो, ऊपर चलने का रास्ता किधर है? उधर है राजकुमार। कहाँ? वहाँ।
इतनी लंबी चाबी रख लेते हैं कभी काम आएगी। क्यों जी, मैंने तो ऊपर चढ़ने का रास्ता पूछा था। बाप रे, अरे मेरे मुड़ने से पहले तुम ऊपर चढ़ गए। अच्छा यहाँ का स्टेयरिंग कहाँ गया? अबे स्टेयरिंग के बच्चे, मैं तेरी खाल उतर दूंगा। मालिक इन जगलियों को साथ ले जाना जरूरी है क्या? हाय, चलो दोस्तों चलो। ये बताओ मैं बड़ी है। चुप रहा है क्यों भाई? क्यों भाई ड्राइवर, मुझे कुछ पूछना है। हेलो हेलो, क्या है? व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी समझती हो अपने आपको? दिखने में हीरो लगते हो, इंग्लिश नहीं जानते? नहीं जानता। सॉरी, तुम्हारा नाम क्या है? मुत्तू। चुम्मा? यस। आज तक मेरी चाहत पूरी नहीं हुई, बोलो होगी क्या? तुम्हारा नाम? फूलवती। फूलवती, जो मिलना है वो मिलेगा, जो नहीं मिलना वो नहीं मिलेगा। मुत्तू, मुत्तू। मालिक। क्या मुत्तू? ये यहाँ बैठेगी तो मैं बग्गी नहीं चलाऊंगा, इन्हें हटाइए। मौसी, चुपचाप नहीं बैठ सकती, इस तरफ आइए। आइए। ठीक है। क्यों भाई ड्राइवर, मुझे कुछ पूछना है। ए बेवड़े, संभल के मुझ पे न लगे। इधर सुनो, दूर हटके, नो टचिंग। पढ़ाया जैसे कामदेव हो। खुद को हूर समझती हो, चेहरा देखो। क्यों, ये सुंदर नहीं है? इसकी आंखें देख लोग खुद को भूल जाते हैं। क्यों मुत्तू? चल चल। ए लड़की, मुझे मेरा काम करने दो ना, बेकार में मुझे मत छेड़ो, इसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा, वक्त पे बेलापुर नहीं पहुंचोगी। हाँ बेटी, देर हो रही है, तुम उसे मत उलझो। अरे मैंने क्या किया मौसी, मुझे इसे नहीं उलझना है। सर मैं ही आपके पास बैठ जाऊँ? थैंक यू। बाप रे बाप, अब सहा नहीं जा रहा, लगता है यही हो जाएगा। बाप रे, क्या हुआ रे तुझे? चुप बैठो मौसी, ये तुम्हें नहीं बता सकता, ये मेरी परेशानी मुझे झेलने दो। अबे ड्राइवर, थोड़ा हट कर बैठो। क्यों? क्योंकि औरतें साथ है ना। औरतें साथ है? तुम्हारा घोड़ा कुछ नहीं करेगा ना। घोड़ा कुछ नहीं करेगा, तू क्या करने जा रहा है? मैं क्या करूंगा, अरे आदमी सब कुछ रोक सकता, पर इस सुशु को कौन रोके? अरे पीछे पीछे, क्या कर रहा तू? अरे ठीक, उधर से ये फिर चुप रहा है। क्यों भाई ड्राइवर, कब से इसके बारे में पूछ रहा हूँ, तुम उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या पूछ रहा है, पूछ। अच्छा इतनी लंबी चाबी किस कार की है? इन्हें निकालो। क्या जल्दी है मालिक? अच्छा मालिक, कोयले की दलाली में हाथ काला। कपी होने लगी, पूरा बदन डुबोया तो फिर क्या होगा, यकीनन जमकर कुल्फी बन जाऊंगा, बिना पानी में उतरे नहाना होगा। क्यों रे गणपति, तैरने का प्रैक्टिस कर रहे हो? सुनो, औरत के बिना जीवन कितना नीरस है, इसका एहसास तुम्हें देख के हुआ। मैंने यह तय कर लिया है कि तुमसे ही शादी करूंगा मैं, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? अच्छा अच्छा, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना, नाटक खत्म होते ही सिर्फ तुम अकेले मेरे घर आई तो समझ लूंगा कि मैं तुम्हें पसंद हूं। अच्छा मौका देखकर माँ की इजाजत से हम दोनों शादी कर लेंगे। अरे जल्दी करो वरना यही छोड़ने चला जाऊंगा। उसे नाटक वालों से बहुत नफरत है, हमारी बातें हमारे बीच ही रहे। तुम्हारे हर एक शब्द मेरे कानों में शहद बनकर टपके, जिससे मेरा रोम रोम सुलग उठा, जिसका एहसास मुझे आज तक नहीं हुआ था। मेरे मन में प्यार का दीप जलाने वाले कामदेव तुम ही हो। हे भगवान, मेरे हमदम, अपनी बाहों में मुझे क्यों नहीं लेते? लो ना। हजारों औरतों को देखते हैं पर जब तक कोई मन को भा नहीं जाता शादी नहीं करते। तुम मुझे भा गई, पर तुम किसी और की बात कर रही हो लेडी? मैं कौन हूँ ये तुम भूल गई, या फिर मेरे पीछे खड़े दोनों गुंडों को तुम भूल गई? महाराज, गुंडा मत बोलिए, तुम मुंह बंद करो।
इस फटीचर नाटक मंडली का मालिक है, मैं इस पूरे गांव का मालिक हूँ। परसों मुझसे एडवांस लेते वक्त तूने जो बोला था वो याद नहीं? एडवांस लेते ही तुम सब कुछ भूल सकते हो, पर मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मैंने तुम्हें रुपए दिए हैं? हाँ, बोल। बंद कर अपनी जबान, नहीं तो खंजर से ले लूंगी मैं तेरी जान। सही कहा ना? सही कहा तुमने। अभी रिहर्सल चल रही है, उसके बाद मैं मना कर खुद ले आऊंगा। मालिक आप निश्चिंत रहिए। अभी रिहर्सल खत्म हो जाने तो बोलते हो, बाद में नाटक खत्म हो जाने तो बोलोगे, पर नाटक खत्म होते ही वो भाग गई अभी बोलोगे। क्यों भैरव, मैंने ठीक कहा ना? हुक्म दीजिए महाराज, ताकि आज मुझे अपने वीरता दिखाने का मौका मिले। नहीं मिलेगा। ये तुम कैसे बोल रही हो? जो मिलना है वो मिलेगा, जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा। ये डायलॉग तो बहुत अच्छा है, हमारे डायरेक्टर तो ऐसे कभी नहीं लिख पाते। अबे चुप। आते समय तूने बोला। डायरेक्टर को भी मार रहे हैं, मुझे शक हो रहा है। तुम रजनीकांता को यहाँ से ले जाओ। अरे छोड़िए ना मालिक, तुम रजनीकांता को यहाँ से ले जाओ। जी मालिक। भाई साहब, गरीब औरतें हैं, नाटक नौटंकी करके अपना पेट पाल रही हैं, उन्हें क्यों तंग करते हो? जाइए अपने घर जाइए। मालिक मैंने सबको बचा लिया। क्या भैया? किसे बचाए? औरतों को बचा के देखो। ये क्या यार, बात करने के बहाने सबको मार रहे हैं, ये क्या यार? ओहो, ए क्या बे, क्या बे, क्या बे, क्या बे, क्या 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 बे? किसे अबे बोला? मैंने ऐसे कब बोला? इसी तक पे तो बैठ के तो बोला। इस तक पर बैठते ही मेरे अंदर पता नहीं क्या हुआ और मुंह से अबे निकल गया। कैसे निकला? कैसे निकला? भाई साहब, आप 10 मारेंगे तो मैं एक तो मारूंगा ही ना। क्या क्या तू मारेगा मुझे? मार लग जाएगी भैया। अरे मारना देखो, लग जाएगी भैया। मार। अच्छा एक मिनट, इधर आइए, जरा सुनिए। दिया हुआ दान और बोला हुआ वचन वापस लेने की मेरी आदत नहीं है। मालिक। हाँ। तुम रजनीकांता को लेके यहाँ चले, चाहे लाख है मालिक मुकाबला करेंगे। मुत्तो कोई भी रजनीकांता के पास जा ना सके, तुम पहले उसे यहाँ से लेके जाओ। मगर आप मेरी चिंता मत करो मालिक। मुत्तो। जी मालिक। नो टचिंग। ज्यादा मत अकड़ो। चल चला। Hey, 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 hey
ये दोनों कहाँ गायब हो गए? अरे ये दोनों कहाँ चले गए? अरे अभी तो आ रहे थे। चलो ढूंढते हैं। अरे ये क्या उस कर रही हो? हाँ क्या कुछ किया तो नीचे धकेल दूंगा मैं तुम्हें। मैंने क्या किया? जब देखो मुझे लड़ते रहते हो। अरे इतने धीरे क्यों चल रहे हो? जल्दी आओ। अरे सांप है। अरे सांप क्यों डर रहे हो? चलो। अरे चलो देखा मेरे चाबुक से सब डरते हैं। क्या 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 सा 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 क्या था? नीचे फेंक दो, सांप को नीचे फेंक दो, सांप को। अरे ये क्या चले जा रहे हो? बिना सोचे समझे बढ़े जा रहे हो? हैं? खाई पार करके आए हैं, घूम कर जाना होगा तभी गांव पहुंचेंगे। ये तो ठीक है, पर क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? किसे पता? हाँ? किधर जा रहा हूँ मैंने कभी नहीं सोचा। भगवान पर भरोसा रखकर बग्घी चलाता हूँ, वो जहाँ ले जाए वहीं चला जाता हूँ। अरे अरे ये क्या फिर पास आने लगी, दूर हटो। ओह बड़ा आया ब्रह्मचारी। ये कौन सी जगह है? हम कहाँ आ गए? भाई साहब नमस्ते, ये कौन सा गांव है? यार अंदर पर रहने अंगोर प्रसारण जोड़ के आना ना दोनों ना वो आती चीज़ कोरते क्या ले ना 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 ही रिक्त है बारो। हाँ बो। अरे भैया भैया रुकना, भाई साहब एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। ये कौन सा गांव है? मणि बंदर ना आलम। अरे अरे एक मिनट इधर आइए, ये कौन सा गांव है? ओ, ने। मार के तेरा सर फोड़ दूंगा मैं। इस बोर्ड पे क्या लिखा है? क्या है? गुलवाली। गुलवाली तुम्हारा गांव? कुलवाली। मेरा गांव काली पट्टी। तो कुत्ते को पट्टी बोलते हैं। कैसे जाए? पट्टी। हाँ पट्टी पट्टी काली पट्टी। क्या पट्टी यार ना? अरे अरे क्या हो गया? अरे पागल है क्या? अरे क्या कर रहा है? अरे 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 यार रास्ता तो बता दे। अरे क्या मुसीबत है, अनजान जगह अनजानी भाषा, लौटने का रास्ता नहीं पता।
किससे पूछे, कैसे पूछे, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा बेचारा। नियो रूम में तरफ है? क्या बोली? वो और उमतरुम मतलब मतलब तुम रास्ता पूछ रहे थे ना, यहाँ की भाषा में ऐसा पूछते हैं। तो काली पट्टी का रास्ता कैसे पूछे? इसमें काली पट्टी का नाम ही नहीं आया। इरकी आने की का मतलब यही है। ओहो, इरकी अनची और उमतरुम। पहले बता देती, खुद पहले पूछ लेते ना, फिर भी तुम बता देती। बहन बहन एक मिनट, गुड मॉर्निंग। इरेकी अनेची उरु मातरुम। मालूम नहीं क्यों थप्पड़ मारा उसने। நீங்கள் நாளை ஆட்களரும் கிழக்கோட்டில் வயலுக்கு செல்லணும். சரி, நீங்கள் நாளை ஆட்களரும் படிஞ்சேர தெங்கன் தோப்புக்கு செல்லணும். குறைச்ச ஆட்களர் ஷொர்ணூர் வாழத்துறைக்கு செல்லணும். காப்பி வேணுங்களா? நாங்க இருக்கிறது இப்பதான் ஞாபகத்துக்கு வந்ததுங்களாக்கும், கொண்டு வாங்க போங்க. தூங்கி எந்திரிச்சு எத்தனை மணிக்கு வரா பாரு. ஏனுங்க எனக்கு மட்டும் கொண்டாடாதீங்க, இங்க மொத்தம் 17 பேர் இருக்கானுங்க. ஏ கரெக்ட் இல்ல, எல்லாத்துக்கும் கொண்டு வாங்க. ஏ மாதவா, என்ன பணி ஒண்ணும் நடந்ததில்லோ? நமஸ்தே ஜி. நமஸ்காரம். ஆனால் நீங்கள் எந்த வேண்டது? भाई साहब नमस्ते। ओ हिंदी हिंदी। क्या चाहिए? मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो। पूछने पर आप मुझे मारेंगे तो नहीं ना? ऐसा क्या पूछने वाले हैं? आप पूछो। पूछो? हाँ पूछो। इरकी अनची और उमत रो। आप पोई क्या जोली ना क्या पोई ना। क्या पूछा आपने? कुछ करेंगे तो नहीं ना? कुछ नहीं करूंगा। डर लगता है? कुछ नहीं करूंगा। बोलिए सच में। इरकी अनची और उमत रो। अरे ची, कैसे आदमी हो, मर्द हो के मर्द को चूमते हो? अरे तुमने ये तो कहा था बाहों में भर के चूम लो। मैंने कब कहा? इरिक्की अनेचे रुम्मा तरनम, इसका मतलब यही होता है तुम एक मर्द हो इसलिए तुम्हारी गालों को चूमा मैंने। अगर तुम्हारी जगह कोई औरत होती तो उसके होठों को चूमता। क्यों भाई, मैं मर्द हूं ना? जी बिल्कुल। तुमने शायद यूं ही कहा होगा, मैंने भी इसे सच नहीं माना, मगर यहाँ के एक ठाकुर ने मुझे उकसा दिया इसलिए गुस्से में आके। अरे मर गया। क्या हुआ? मेरे मालिक मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये बताओ तुम्हारी नाटक मंडली वाले कहाँ होंगे? पता नहीं वो कहाँ होंगे, चाहे वो जहाँ भी हो अब मैं उस मंडली में नहीं जाऊंगी। क्या, क्यों क्यों क्यों? उस नाटक मंडली का मालिक कब मुझे बेचे यही सोच रहा है।
अच्छा अपने माँ बाप का तो पता बताओ, वहां छोड़ दूंगा। क्या कह रही हो? वो दोनों अब जीवित नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह अनाथ हूँ। मेरी दीदी ने मेरी परवरिश की, वो बहुत अच्छी है, मगर मेरी जीजा। मेरे मामले में टांग मत अड़ाया कर। हर दिन उसका जुल्म सहना पड़ता था मेरी दीदी को। क्या मैं तेरी हवस पूरी नहीं कर पाती जो मेरे हिसाब से बाजार हो? ये क्या नाप छाप बोले जा रही है? तुम्हें शर्म नहीं आती? इसे निकाल बाहर फेंको। मर गई? मर गई? अच्छा हुआ। अरे आंखें फाड़ के क्यों देखती है? तेरी बहन मर गई? मर गई तो मर गई, तू क्यों उदास होती है? ए, चुप क्यों है? ए, तो बोल ना। ए, कहाँ जा रही है? रुक जा, मैं तुझसे शादी करूंगा, हमेशा खुश रखूंगा और कभी सताऊंगा नहीं। वहां से भागकर उस मंडली में शामिल हो गई, भेष बदल बदल कर अपनी जीजा से छुपती फिर रही हूँ। चिंता मत करो, भगवान है, वो कभी भी अच्छों का साथ नहीं छोड़ता। हाँ एक काम करते हैं, मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं, उनसे कह के मैं तुम्हें कोई काम दिला दूंगा, तुम मेरे साथ ही चलो। मगर हाँ, क्या? मेरे मालिक की शादी होने तक हम दोनों के बीच जो है ना, उसे किसी को मत बताना। है? हम दोनों के बीच ऐसा क्या है? है? कुछ नहीं है। क्या क्या है? इसीलिए तुम लोगों पे कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन मुझे विश्वास है। क्या हुआ? दिल में कुछ कुछ होता है। चिचुर। जानम। प्यारा। प्यारी। अरे भाई तुम क्यों चल रहे हो? नाटक खत्म होते ही सिर्फ तुम अकेले मेरे घर आई तो समझ लूंगा कि मैं तुम्हें पसंद हूं। मुथु सब ठीक है ना? किसी को चोट तो नहीं हुआ मालिक? मालिक मैं तो परेशान हो गया इससे, जान बताइए काफी नहीं, साथ में रखने को कहती है, कारण पूछा तो कहती है कि दूसरों को आसरा नहीं, नाटक वाले पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे अपने घर ले चलो कहने लगी, मैंने साफ इनकार किया तो बोलती है तुम्हें क्या, अपने मालिक के पास ले चलो, तुम्हें ले आया। होशियार लड़की है मुतु। जी मालिक। यहाँ कई लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ इसे भी लगा दो। जो आपकी मर्जी मालिक, आपकी मर्जी, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। आ वो नहीं, ये वाला। हाँ वहां रखो। आ वहां नहीं, यहाँ। आ नहीं, इस तरफ रखो। अरे रे 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 रे, मालकिन कोई एक जगह बताइए ना। सुनो मैं इस घर की होने वाली मालकिन हूँ, बात नहीं मानी तो नौकरी से निकल दूंगी। कहाँ रखो? वहां रखो, जैसी आपकी मर्जी। आप लोग कौन है? मौसी? रजनीगंधा। क्या हुआ मौसी? रजनीगंधा तेरे बिना नाटक नहीं चलता, इसलिए मालिक ने हमें मार भगा दिया। क्यों चिल्ला रही हो मुत्तू? ये लोग कौन है? क्या क्यों आए पूछो? भैया भैया भैया, अरे भोंपू बंद करो। क्या यहाँ भी नाटक करने आ गए? क्यों रे गणपति, कुछ तो बोलो ना। हाँ। बात यह है, बिना रजनीगंधा के नाटक नहीं चल पाता, फिर भी हमने कोशिश नहीं छोड़ी, सोच समझकर इस फूलवती को हीरोइन बनाकर नाटक शुरू किया। ये और हीरोइन? पत्थर बरसाए होंगे। तुम्हें नहीं पता लोगों ने इतने पत्थर बरसाए कि ये घर बना सकते हैं, उतने पत्थर फेंक हमें मार भगाए, कोई और रास्ता नहीं इसलिए रजनीगंधा को ले जाने आए हैं। यहाँ कई लोग आपके भरोसे जी रहे हैं, दया कर इन्हें भी कोई काम देंगे तो बेचारे अपना गुजारा कर लेंगे।
तुम्हें तो पता ही है मुझे नाटक और नाटक वाले बहुत पसंद है। तपन मालिक सबको कोई ना कोई काम देकर उन सबके यही ठहरने का प्रबंध करो। ठीक है, नाटक में कौन सा रोल करते हो? मैं सेनापति। यहाँ का सारा फर्नीचर तुम साफ करो। तुम क्या करते हो? मैं हूँ सहायक। इस बिल्डिंग की सफाई करो। तुम कौन सा रोल करते हो? बांसुरी बजाता हूँ। तुम जाकर पिछोड़े की सफाई करो। तू क्या करता है? मस्का मरता हूँ। तो मेरे साथ रह। तू क्या करता है? तबला बजाता हूँ। तो ऊपर की सफाई कर। तुम कौन सा रोल करती हो? रजनी की गैरहाजिरी में मैं ही नायिका बनती हूँ। तुम ऐसा करो, डेली पानी चढ़ाओ। हाँ। मेरा मतलब है डेली पानी भरो महल में, नहीं पिछवाड़े में। मुझे भी साथ रहो क्या? तुमसे बाद में निपटूंगा। हाँ। की औलाद पोज दे रहा है। कौन सा रोल करता था? राज बहादुर। मतलब नहीं समझा? राजा के वेश में घोड़े की सवारी करता हूँ। घोड़े पे सवारी करता था? आज से तू सारे घोड़ों की लीद उठा। लीद? हाँ। मुमकिन नहीं। राजा का रोल करने वाला मैं लीद उठाऊंगा तो मेरी इज्जत मिट्टी मिल जाएगी। दूसरों को बोलो। मेरी बात नहीं मानी तो तेरी जिंदगी को लीद से बोल दूंगा। भैया अरे गरे से लिपटती हो, शर्म नहीं आती? नहीं ए? यही है मेरे सपनों का राजकुमार। राजकुमार छप्पड़ कंचू, तुम कैसे इसे राजकुमार कह रही हो? वही सुंदर छवि, वही वाला टीका, लंबी घुंघराली बाल के बच्चे, आज रातों रात सबके बाल खटाक कर दूंगा। चोर क्या कर रहे हो? बेवकूफ अहमद नालायक। मैंने क्या बेवकूफी की? राजा बाबू उस नौकरानी को पसंद करते हैं, इसमें मेरी क्या? तुझे नहीं कहा, मैंने कहा है खुद को। जिस दिन राजा ने मेरी बेटी से शादी के लिए हाँ की तभी उनकी शादी करवा देनी चाहिए थी। करवा देता तो इससे कई गुना ज्यादा दौलत का मालिक होता। देरी कर दी ना, बाढ़ आने से पहले बांध बनाना अकलबंदी है। कौन है वो नौकरानी? नाम राजनी गंदा है, नाटक कंपनी में काम करती है। स्वामी आप क्यों रो रहे हैं? रति देवी, जिन लंबे बालों पर तुम जान छिड़कती थी उसे रात रात कोई काट कर ले गया। चिंता मत कीजिए नाथ, मरने पर भी शेर शेर ही होता है। बाल न होने पर भी आप मेरी राजकुमार हैं। मेरी जरूरत की सारी चीजें आपके पास हैं। सच में आप ही मेरे स्वामी हैं। तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं ऊपर आसमान में उड़ा जा रहा हूँ। पकड़ो मुझे, मुझे सारी दुनिया दिखने लगी है। दिखेगी, जरूर दिखेगी। अबे इतने दिनों से मैं इसके पीछे लगा हूँ, तू कल का ऐसे ले जाएगा? चल। कहाँ ले जा रहे हो? तुझे पत्थर बांधकर कुएं में डाल ले। रती देवी बचाओ। स्वामी अंदर चला रहा है, भाग जा। ए, सुनता नहीं क्या? अरे हम बोल रहे हैं तो अंदर चला रहा है, बाहर निकल। बात नहीं मानता, उसे चला रहा है। कौन है वो? अरे स्वामी जी रुकिए। अरे कैसे चले आ रहे हैं थी? अरे सुनो। ए, अबे कौन है बे? रुक, पूछ रहा हूं ना।
अरे यार ये तो कोई पहुंचे हुए महात्मा लगते हैं। अरे यार ये तो कोई पागल लगता है, इसे तुम पहुंचे हुए साधु महात्मा कह रहे हो? आप कौन हैं? यही जानने की कोशिश कर रहा हूं। समझाते हैं। मैं ना समझ के लिए एक उलझन हूं और जो समझे उसके लिए हमदर्द। आपको कौन समझता है? इस घर की मालकिन। मालकिन घर में नहीं है। कहां गई हैं? मंदिर गई हुई हैं। क्यों? मंदिर क्यों जाते ये भी नहीं जानते, भगवान के दर्शन के लिए गई हैं। ओ तो ये कौन है? भगवान मन में है और ना समझ बाहर ढूंढ रहे हैं। ए खानदान छोड़कर तुम सब लोग क्या तमाशा देख रहे हो? हाँ जाकर काम करो, हमारे कहीं जाते ही सब लोग काम काज छोड़कर नाटक करने लगते हैं। नाटक वाली जो आ गई। भाई दुनिया में सब पागल हैं, किसी को पैसे का पागलपन है, कोई औरत के लिए पागल है, कोई पदवी के लिए पागल, तुम अपनी मीना पर पागल हो। ये मेरे मन की बातें कैसे जान गए? वे तो पहुंचे हुए। प्रणाम। जी मुझसे बाग में अकेले मिलो, दिवाली का तोहफा तुम्हारा इंतजार करेगा। आज रात की 10 बजे मुझसे बाग में अकेले मिलो, दिवाली का तोहफा तुम्हारा इंतजार करेगा। तब भैया मुतु, क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो क्या? रति जब देखो रति रति, क्यों भैया उसके पीछे पड़े हो? कितनी बार बोलूं, जो मिलना है वो मिलेगा, जो नहीं मिलना वो नहीं मिलेगा। मिल गई ना। कैसे? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। दिवाली का तोहफा तुम्हारा इंतजार करेगा। प्यारा चिचोर। ये कहा हमारा? आज रात के 10 बजे मुझसे बाग में अकेले मिलो, दिवाली का तोहफा तुम्हारा इंतजार करेगा। मुतु मलिक। बाहर जाना है, बग्गी निकालो। जी मलिक। पद्मिनी, पद्मिनी, जल्दी आना बेटी। आ रही हूँ।
कितनी देर हो गई, अभी तक क्यों नहीं आया? उसे आने दो, आज फैसला करके रहूं। जान हथेली ये मोटा यहाँ क्यों आया? तुमने पुकारा और हम चले आए। जान हथेली यहीं तो आने को बोली थी, अभी तक नहीं आई आ जाएगी। दिवाली का तोहफा देना है ना, जरूर आएगी। यही तो आ रहा था, कहाँ गया? मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगा। लगता है वही आ रही है। पर ये काला कावा कहाँ से गया? ओए हो, ये महल है या पूरा का पूरा गांव? चा, पैरों में भी दर्द हो रहा है। कहाँ गया वो? यही तो आया था। यही कहीं छुपा होगा। अरे तुम यार, मजा आएगा। बिच्छू को ढूंढने आया तो तितली मिल गई। वाह, तपन देख लेगा, चुप हो जाओ। तू वहाँ छुपा है कव्वी? ला 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 ला। ओ, मलिक, ये क्या? मलिक यहाँ और इस वक्त? बेकार में इधर आकर फंस गया। आइंदा कभी किसी का पीछा मैं नहीं करूंगा, कसम से। पद्मिनी यहाँ क्यों आ रही है? ओ, मलिक से मिलने के लिए। अरे माजी, किसी तरफ आ रहे। मालिक क्यों छुप गए? मेरी चमक चलो आ गई, देखा ले। कहाँ दिवाली का तोहफा? ओ मलिक, मलिक, मलिक देख लेंगे, मलिक, मलिक देख लेंगे। चलो चलो। किसे कौन दिवाली का तोहफा दे रहा है? हाँ, बाहर निकलो, बाहर निकलो, नहीं तो गोली मार दूंगी। मुझे ही बुला रही है। ए, गोली चला। इतने लोग यहाँ पर इस वक्त क्या कर रहे हो? मालकिन मैं बताता हूँ। मुतो भैया हटो, हर एक दिवाली पर स्पेशल नाटक करते हैं, ऐसा इस काले कब बोला? हराम, मालकिन मुझे मेरी माँ की कसम, मेरा इस लफड़े से कोई संबंध नहीं। अच्छा,
इतनी रात के ये लोग यहाँ क्यों आए, किस लिए आए? क्या क्यों आए? तुम सब यहाँ नाचने गाने के लिए आए हो ना? प्रणाम स्वामी। तुम्हें क्या चाहिए? स्वामी, मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ, उसी से शादी करना चाहता हूँ। तो कर लो। मगर इसमें कुछ उलझन है स्वामी। कैसी उलझन? मेरे मालिक शादी करेंगे तभी तो ये सेवक शादी कर पाएगा ना। इसीलिए मेरे मालिक जल्दी शादी कर लें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी। जो तुम चाहते हो तुम्हारे मालिक भी वही चाहते हैं। हाँ स्वामी जी, वो भी जल्दी शादी करना चाहते हैं। नादान मूर्ख, अभी तो शुरुआत है, यही देखने तो मैं यहाँ आया हूँ। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। घर जाकर देखो, सब समझ जाओगे। अच्छा जी, प्रणाम स्वामी जी। ये पुलिस वाले हैं, पुलिस बोल दिया तो फिर यहां क्यों खड़े हो? जाओ यहां से। यहां कोई रजनीगंधा है जो अपने घर से भागकर यहां काम कर रही है, उसको यहां से ले जाने के लिए उसके जीजा हैं फौजी। नायडू, एसपी नाइट। उसका नाम सुनते ही लोग थर थर कांप उठते हैं। वो तो हंगामा करने का बोल रहा था। मैंने बोला हंगामा नहीं, चुपचाप उसे साथ ले जाओ। अब बिना बहस किए उस नौकरानी को उसके साथ भेज दो। चलता हूं मैं। तुम कौन हो? श्योरी, मुझे पागल समझा था है? तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, चल। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं आऊंगी। ओए, कौन है तू? कहाँ है भैंस? ये रहा, मेरा नाम नायडू है, एसपी प्रताप नायडू। ये लड़की मेरी साली है, अच्छी तरह से सुन लो कि ये साली है मेरी। हाँ, अब चलो। नहीं, दया करके मुझे मत भेजिए, मैं नहीं जाऊंगी। बिना इस लड़की की मर्जी से तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते नायडू। यानी इसे यहीं छोड़ने को बोलते हो? ये लो छोड़ दिया। ए, मेरी साली, जाओ, तुम्हें छोड़ दिया। मेरे मालिक पर हाथ उठाया। मुतु, ए मेरे जवानों, जरा इस पागल का पागलपन दूर करो।
नायडू भैया, तेरे बारे में सब जानता हूँ। आइंदा रजनीगंधा के पीछे पड़ा टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे। टुकड़े करने के लिए अब बचा ही क्या है भैया, सब कुछ तो तुमने पहले ही तोड़ डाला है। तो कसम खाकर कहता हूँ कि आज के बाद रामपुर की सीमा छोड़कर मेरे कदम यहाँ कभी नहीं पड़ेंगे। भैया भैया, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये चश्मा और सिगार ना हो तो जिला रामपुर में मेरी कोई इज्जत नहीं करेगा। ये ले लूं क्या? गाड़ी स्टार्ट करो, चलो। तुम पहले ये बताओ, तुम लोगों को कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती? थोड़ा सा पानी देना। वैसे कुछ नहीं होगा माँ। कैसे कुछ नहीं होगा, उसकी सूरत मुझे ठीक नहीं लगी। तुम उस लड़की को यहाँ से भेज दो। कैसे भेजूं माँ? क्या बोल रहे हो, तुम्हारे मन में इतने दिनों तक पद्मिनी नहीं थी? माँ क्या कह रही हैं आप, आज तक मेरे मन में ये बात कभी नहीं आई माँ। मैंने सोचा आपने पानी पीने के लिए मांगा, मगर आपने हाथ धो लिया। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। पद्मिनी बेटी, गलत मत समझो, मैं इससे कहीं सब कुछ सुन लिया है माँ जी। नहीं बेटी नहीं, इस बात से मुझे कोई दुख नहीं हुआ। देखिए मुझे हिचकी नहीं आई। राजा, राजवर्मा के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, उन्हें पता चला तो जानते हो क्या होगा। चाहे जो भी हो, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रजनीगंधा से ही, वरना मैं कभी शादी नहीं करूंगा। हिम्मत हार कर भागाने के लिए तुम्हें वहां नहीं भेजा था, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो इसलिए भेजा था। क्यों मैंने एक नौकर से माफी मांगी? उस रजनीगंधा के जीजा को कितनी मुश्किल से मैंने खोज निकाला है पता है तुम्हें? क्यों क्यों? ए मुथू ने क्यों रजनीगंधा के जीजा को? रजनीगंधा के जीजा को क्यों पीटा? साथ में काम करती है इसलिए? ऐसी बात नहीं है, वो लड़की मुथू से प्यार करती है शायद। किस लिए पहले नहीं बताया? पहले एक साधु के बारे में बताकर तमाचा खाया, इसलिए ये बात आपको नहीं बताई। ठीक है मुझे नहीं बताया, पर अपने मालिक को तो बताना चाहिए था ना। अगर अपना रुतबा बढ़ाना है तो अपने मालिक से जितना भी झूठ बोलना पड़े बोलो। रजनीगंधा कहाँ है? अभी पिछवाड़े में गई। ऐसा क्या हुआ जो तुम रो रही हो? मुझे अपने जीजा से बहुत डर लगता है, अब उन्हें मेरे रहने का भी पता चल गया। पता नहीं अब क्या होगा, वो अब चुप नहीं रहेंगे, मेरे किसी रिश्तेदार को लाकर मेरे गले में जबरदस्ती मंगलसूत्र पहनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। मुत्तु मेरी बात सुनो, तुम्हारे सिवा चाहे कोई राजकुमार भी क्यों ना हो, उसका पहनाया हुआ मंगलसूत्र मेरे गले में फांसी का फंदा होगा। क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? क्या मैंने तुमसे शादी करने से इनकार किया? सुनो रजनी, तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे लिए माँ बाप भगवान सब मालिक और मालकिन है। मालिक की शादी होते ही मैं तुमसे शादी करूंगा। हाँ, मालिक मालिक मालिक, जब देखो तब मालिक।
अगर वो आखिरी दम तक शादी नहीं करेंगे तो हमारी शादी नहीं होगी क्या? जरा मेरी बात तो सुनो। देखा मालिक आपने, वो लड़की नाना कर रही है, मुत्तु मारने की धमकी दे रहा है। वो लड़की किसी और से प्यार करती है ऐसा लगता है, ये जानते हुए भी वो उससे शादी करने की जबरदस्ती कर रहा है, उसे मारने की धमकी दे रहा है। उस बेचारी का तो जीना मुश्किल ही कर दिया उसने। देखो सलमालकिन से कहकर हमारी शादी की बात नहीं की तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तुम्हारी सूरत भी नहीं देखूंगी। रजनी सुनो, रजनी पीछा कर रहा है, देखिए। और भी कई कारनामे किए हैं, आपका नमक खाकर आपसे ही गद्दारी कर रहा है, ये देख मेरा खून खौल जाता है, और क्या बताऊं? बताओ। मालिक घोड़े आगे बढ़ ही नहीं रहे। उसी ने पाला है ना, उसी की तरह होगा। पीट पीट कर लाओ ना यहाँ। काली तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे घोड़े को मारा? मेरी बग्गी पे चढ़ने का हक तुझे किसने दिया? हाँ मैंने यह हक दिया उसे। मालिक छी, मुझे इसे मत बुलाओ। आइंदा तुम्हारे हाथ इस बग्गी को छूने नहीं चाहिए, तुम्हारे ये पैर इस मिट्टी पर पड़ने नहीं चाहिए। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मेरे साथ गद्दारी करने पर भी मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा, क्योंकि बचपन से तुम मेरे साथ रहे, इसलिए चुपचाप यहां से निकल जाओ। मालिक मैंने क्या गलती की? चुप रहो। मालिक मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। काली क्या तमाशा देख रहे हो, इसे धक्के मार के बाहर निकालो। बेटी मुत्तू के बिना बग्घी खाली आई है। आओ अगर ये शराफत से नहीं गया तो मैं खुद इसे उठाकर बाहर फेंक दूंगा।
क्या हुआ? मुत्तू कहाँ है? तपन बेटे इधर आओ। मालकिन क्या हुआ? मुत्तू कहाँ है? अरे बोल ना। मुत्तू को मालिक ने मारकर भगा दिया। मुत्तू, सगे बेटे से प्यार आपके लिए मुत्तू हो गया? हाँ रे, मेरे लिए मुत्तू ही सब कुछ है। उसकी करतूतों को जानने के बाद आप ऐसे नहीं कहेंगी। तुम क्या जानो मुत्तू के बारे में? रजनीकांत मुझे चाहती है जानते हुए भी। मुत्तू ने इसे खुद शादी करने के लिए डराया धमकाया इसको, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। यकीन नहीं तो इसे पूछ लीजिए। उससे मैं क्या पूछूं बेवकू? मैं बताती हूँ, रजनीकांत तुम्हें नहीं चाहती, मुत्तू से प्यार करती है। माँ जो कह रही है उसने सिर्फ हम दोनों को ही धोखा दिया समझा, पर रजनीकांत को भी फांसा। क्या धोखा दिया उसने? अनजान मत बनो माँ, तुम्हें बहका कर उसने हमारी जायदाद का आधा हिस्सा खुद के नाम नहीं करवाया। छी, अपना मुंह बंद कर। मुत्तू ने हमें धोखा नहीं दिया, हमने उसे धोखा दिया है। उसी की जायदाद पर हम जी रहे हैं। जिस मिट्टी पर उसके कदम नहीं पड़ने चाहिए ये कहकर उसे मार भगाया, हमारे पैर उस मिट्टी पर नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि इस मिट्टी पर राज करने वाला वही है, इस जायदाद का असली वारिस वही है। इस घर में कुछ दिन पहले पागलों की तरह एक बुजुर्ग यहाँ आए थे, जानता है वो कौन है? एक जमाने में वो कैसे राज करते थे जानता है? Thank you.
क्या बात है राजशेखर, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। क्योंकि अब तुमसे भी बड़ा जमींदार होगा मेरा बेटा, इसलिए। जमींदार ने तुम्हारे बेटे को गोद ले लिया तो मुझे मत भूल जाओ। मुझे रास्ता बताने वाले तुम हो, तुम्हें कैसे भूलूंगा यार। मेरा बेटा जमींदार बनेगा इसकी खुशी ही नहीं, बल्कि मेरे रास्ते का कांटा जमींदार की बीवी जो चल बसी, इसलिए। चल बसी उससे फायदा नहीं, क्योंकि जाते जाते अपना वारिस छोड़ गई। तुम्हारे बेटे को गोद लिया वही वारिस होगा, ये समझ लेना तुम्हारी भूल है। जमींदार के मरते ही पूरी जायदाद का वारिस होगा उसका बेटा मुथु। तब तुम्हारी हालत, तुम्हारे भरोसे बैठे हुए मेरी हालत, और तुम्हारे भरोसे बैठी हुई तुम्हारी बीवी की हालत। क्या बात है, चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? मूर्खों के पास एक ही अक्ल होती है, पर इस राजवर्मा के पास हजारों अकले हैं। राजशेखर, कागजात पर दस्तखत। काम क्यों नहीं करते? मालिक पूजा पर बैठे। सौ जोड़ों की शादी करवाकर जमीन देने का वादा किया था ना, वो लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। सिर्फ कागज पर साइन कर दे तो बाकी का काम। दीवान, वो शादी की तैयारी कर रहे हैं। ले 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 ले। अगर जीत की जान जाएंगे तो बुरा होगा। रोकने को बोलिए, उन्हें रोकने को बोलिए। चुप रहो। मेरा मुत्तु महाराजा। क्या हुआ, ये आपको क्यों मार रहे हैं? मालिक, बिना मांगे आप सब कुछ दे देते हैं। अगर आपको ही कोई धोखा दे तो हम चुप नहीं बैठ सकते। आपको सच्चाई बताने आए हैं तो हमें आपसे मिलने नहीं दे रहे, बल्कि हम लोगों को मारकर भगा रहे हैं मालिक। मुझको धोखा? क्या बोल रहे हैं? शादी में हम लोगों को आपकी तरफ से जो जमीन का पट्टा मिला, गाँव वाले कह रहे हैं वो सब नकली है मालिक। क्या? वो सारी जमीन आपके नाम पर नहीं है मालिक। फिर किसके नाम पे है वो सारी जमीन जो कल तक आपके कब्जे में थी? अब आपके चचेरे भाई राजशेखर के नाम पर है मालिक।
बस इतना ही नहीं मालिक, और भी कई जुल्म हमारे साथ हो रहे हैं। आपकी दी हुई कोई भी सहूलियत हमें नहीं मिल रही है मालिक। आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। आप जरा अंदर आइए। दीवान, दरवाजे के बाहर खड़े हुए गरीबों को जो देना है उन्हें दे दीजिए। जिन्हें चोट लगी है उनका फौरन इलाज कराइए। राजशेखर, हमने आपको कभी अपना चचेरा भाई नहीं माना, हमेशा आपको अपना सगा भाई मानते रहे, मगर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको किसी बात की कमी नहीं होने दी। हमारा वारिस होने के कारण गोद लिया आपके बेटे को हमने। भाग्य का खेल या कहीं भगवान की मर्जी, जो मेरी पत्नी वो देवी जाते जाते एक वारिस देकर गई, मालूम है ना। दिया हुआ दान और दिया हुआ वचन वापस लेने की परंपरा हमारे वंश में नहीं है। जिस दिन हमारा बेटा पैदा हुआ उसी दिन हमने अपनी सारी जायदाद आपके बेटे के नाम कर दी। आपके बेटे के नाम की हुई जायदाद में से हमने दान नहीं दिया। अपने पूर्वजों की परंपरा को निभाने के लिए जो सौगा हमने अलग से बचाकर रखे थे वो अब मैं आपके नाम कर रहा हूं। ये आपके बेटे के नाम की गई जायदाद और यह आपके नाम की गई जायदाद। राजशेखर जी, जो धोखा आपने हमें दिया उसे हमने माफ कर दिया, मगर आपने जो गरीबों को धोखा दिया उसे माफ। हम चलते हैं। भाई साहब, आप कहां जा रहे हैं? दुनिया बहुत बड़ी है। हमें छोड़कर मत जाइए, हमें छोड़कर मत जाइए। दौलत की लालच में आकर इन्होंने गलती कर दी। हमें जायदाद की कोई चाह नहीं है। मैं आपके पांव पड़ती हूँ, आपके हाथ जोड़ती हूँ। हमें छोड़कर मत जाइए। हमने दान में दी हुई चीज और दिया हुआ वचन कभी वापस नहीं लिया। भाई साहब, आप अगर कुछ ठान लेते हैं तो कोई उस फैसले को नहीं बदल सकता। ये सभी जानते हैं। आखिरी बार मैं कुछ मांगती हूँ, देंगे ना? अब मेरे पास देने के लिए बचा ही क्या है? आपका बेटा, आपकी बेटी को पालकर आपने किए पापों को थोड़ा तो कम करेंगे। ये सौभाग्य आप मुझे देंगे ना? मगर हाँ, इस बच्चे को सीधे साधे साधारण इंसान की तरह पालना, इस पर कभी दौलत की परछाई न पड़ने पाए। जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक ये कौन है ये सच्चाई किसी को पता न चले।
तुम्हें मेरी कसम है। धोखा देने वाले से धोखा खाने वाला ज्यादा गुनहगार होता है, जैसे आप कहते थे। मैंने धोखा खाया पिताजी, अब आपके सामने एक गुनहगार खड़ा है, मुझे माफ कर दीजिए। जेठ जी को दिए वचन को निभाने के लिए, राज वर्मा से मुत्तू को बचाने के लिए, अपनी नौकरानी के मरे हुए बच्चे को दिखाकर, जेठ जी का बच्चा मर गया से झूठ बोलकर, किसी को बिना बताए इस गांव में आ गई, जो अब भिखारी की तरह है, उन्हीं की दी हुई भीख का एक छोटा सा हिस्सा है ये जागीर। अब वो कहाँ है माँ? कल राजा की तरह राज करने वाले आज बीच राह में पड़े हैं। मैंने बहुत बार उन्हें बुलाया पर मैं उन्हें बुला लाता हूँ माँ। शक था, मुझे पहले से ही शक था। मुथु दिखने में एकदम उस जमींदार जैसा लगता है, मुझे इस बात का शक था। हाँ, मुझसे दगा किया, मेरे दोस्त की बीवी ने दगा किया, जमींदार का बच्चा मर गया ऐसा मुझसे झूठ बोला। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, अब मैं धोखा नहीं खाऊंगा। ए, चल उस राजा को मार डाले। मालिक, राजा बाबू को? अब राजा मेरा कौन है बेवकूफ? सुप्रीम कोर्ट के जज से ज्यादा कानून जानता है ये राज वर्मा। अगर कल ये मुथु सबको बता दे कि हम सब ने उसके पिता को धोखा दिया था, तो सारी जायदाद उसे मिल जाएगी। लेकिन इससे पहले तुम्हारे मालिक को ठिकाने लगाकर इल्जाम मुथु के सर थोप देंगे। फिर देख लेना, गांव वाले जमींदार के खून के जुर्म में मुथु के खिलाफ हो जाएंगे, तब हम अपने आदमी से भीड़ में उसे मरवा डालेंगे। बाद में जायदाद की वारिश होगी मेरे दोस्त की बीवी, उसे भी ऊपर पहुंचा देगी, तब ये राज वर्मा महाराजा होगा और तू मेरा सेनापति। सर, इसके खून का सबूत चाहिए। चप्पल खोल। अब इसे उठाकर फेंक दे, एक हड्डी भी ना बचने पाए। किनारे उसके कपड़े और चप्पल मिले। देखो, मुत्तू ने जमींदार को मार दिया। देखो, मुत्तू ने जमींदार को मार दिया। सिर्फ चप्पल और कपड़ा मिला है। देखो, मुत्तू ने जमींदार को मार दिया। देखो, मुत्तू ने जमींदार को मार दिया। मुत्तू ने जमींदार को मार दिया। देखो, सिर्फ चप्पल और कपड़ा है। देखो, मुत्तू ने जमींदार को। कहाँ है मालिक? तुमने तो मारा ना।
बोल मेरे मालिक का क्या किया बोल। तुमने तो उनका खून किया। सुनो काली, मालिक को नहीं मारा ना, वो जिंदा है ना, कहाँ है बोल, कहाँ है? तूने ही उन्हें मार डाला पापी, क्योंकि गुस्से में उन्होंने तुझे पिटवा कर निकाला था, इसलिए तुमने उन्हें जान से मार कर नदी में फेंक दिया। मालिक मारे गए, मुझको और काली वहां बाहर लड़े ही। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मुझे मत मारो मुत्तू, मैं सच बताता हूं, मैंने ही जमींदार को मारा, वर्मा जी के कहने पर ऐसा किया। क्यों मेरे बेटे को मार डाला बोल? अबे डरता क्यों है, क्यों डरता है? ए मुत्तू, जमींदार का खून करके अब तू इसे मार रहा है ताकि ये कबूल कर ले? तमाशा क्या देखते हो? मारो अपने मालिक के कातिल को, मारो। अरे राज वर्मा भाग रहा है, चलो पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो। राजा बाबू, तुमने मेरी बेटी से शादी करने से इनकार किया, इसी गुस्से में मैंने ये सब कुछ किया, मुझे माफ कर दो। सिर्फ आपने ही नहीं, हम सब ने मुत्तू को बहुत बड़ा धोखा दिया है।
मुझे समय माफी मांगनी होगी। मालिक आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? सारे आम तुम्हें पिटवाकर तुम्हारी बेइज्जती की, मुझे माफ कर दो मुथु। ये क्या मालिक, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? आओ भाभी। मैं खुद आपको बताने वाला था मालिक, आप खुद ही समझ गए। आजकल क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मालिक। कुछ बातें ना समझो तो अच्छा है। मालकिन रुकिए, आशीर्वाद। तुम्हें आशीर्वाद हमसे नहीं लेना चाहिए। ये क्या मालिक, ये अनाथ आप दोनों से आशीर्वाद नहीं लेगा तो और किससे लेगा? अपने पिता से। हाँ मोटू, मुझे बचाने वाले तुम्हारे पिता हैं। क्या कह रहे हैं मालिक? लेकिन पिताजी नहीं दिख रहे, मुझसे मिलना शायद उन्हें पसंद नहीं। मैंने कोई पाप नहीं किया, जाने से पहले आशीर्वाद तो दे जाते। चिंता मत करो बेटा, चाहे वो जहां भी रहे उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। देखने के लिए मैंने कितने बरस तक किए जानते हो मुतो? हैं? ये क्या है तपन भैया, ये क्या भेष है? स्वामी तपन नंदा। स्वामी, स्वामी ये क्या भेष है? मैं जिस लड़की को लाइन मार रहा था उसे वो काला कब अपने साथ थोड़ा उड़ा के ले गया। स्वामी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए ना? इसकी चिंता क्यों करते हैं? अब चिंता नहीं करूंगा मुतो, तुमने ही कहा था ना जो मिलना है वो मिलकर रहेगा, जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा। जो मुझे नहीं मिला आशीर्वाद ले लो, तुम्हें कोई नहीं हिला सकता। जय तपन नंदो। मालिक? नहीं मुत्तू, अब तुम ही मालिक हो। ये मुत्तू कभी भी कहीं भी आप ही का सेवक है, आप ही हमारे मालिक हैं। मालिक जिंदाबाद, मालिक जिंदाबाद, मालिक